अगर महिला को ये मालूम है कि मेरा उसको लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट अच्छी तरह से मालूम है तो हम उसको ईडीडी आराम से कैलकुलेट करते हैं। सबको आपको नेगलिस रूल मालूम है ना, कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड उसमें 7 डेज ऐड करते हैं और हम फिर 3 मंथ्स पीछे जाते हैं तो हमारे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ जो है डिलीवरी पता चल जाता है, उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है। दूसरी चीज ये है कि अगर उसको पेशेंट को अपनी एज के बारे में नहीं मालूम है, जेस्टेशनल एज की क्या लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था, तो उसकी फंडल हाइट से भी देख लेते हैं कि कैसे है और रफली कैलकुलेशन हो जाता है उसका। और फिर अगर आजकल तो अल्ट्रासाउंड सभी जगह है तो अल्ट्रासाउंड से हमको अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट बिल्कुल अच्छी तरह बता देते हैं कि इस बच्चे का क्या जेस्टेशन है। तो प्रीटर्म बर्थ जो है वो जब भी बर्थ 37 हफ्ते से पहले डिलीवरी हो जाए तो उसको प्रीटर्म बर्थ कहते हैं। टर्म क्या होता है, जो 37 वीक्स के बाद में डिलीवरी हो उसको टर्म बर्थ कहते हैं और 37 वीक से पहले हो जाए उसको बोलते हैं प्रीटर्म बर्थ। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, जो भी लोग मुझको सुन रहे हैं उनको ये बात क्लियर होना चाहिए कि प्रीटर्म बर्थ क्या होता है। 37 वीक से पहले अगर डिलीवरी हो रही है तो उसको हम कहते हैं प्रीटर्म बर्थ। कैलकुलेशन के बारे में भी हमको पता चल गया, अगर हमें लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड पता है तो हम आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना वीक ऑफ जेस्टेशन है, हम अल्ट्रासाउंड से पता कर सकते हैं और आपको आपके जो बॉसेस है उन्होंने आपको फंडल हाइट से भी कैलकुलेट करने के बारे में भी बताया होगा। नाउ दूसरी चीज है, हमको ये पक्का करना है कि ये शर्त में ट्रू लेबर पेन्स के साथ आई है कि ये फॉल्स लेबर पेन्स है इसको। तो अगर उसको ट्रू लेबर पेन्स है तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जब पेन्स है वो रेगुलर और प्रेडिक्टेबल इंटरवल में आएंगे। दो पेन्स के बीच का समय धीरे धीरे कम होता जाएगा और उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। फर्स्ट उसको जो है कि अपना लोअर बैक में पेन शुरू होगा और फिर उसको देखेगा कि सामने की तरफ से ये पेन बैक से सामने की तरफ आते, ये रेस्ट से पेन ये रिलीव नहीं होते जो ट्रू लेबर पेन्स है। जैसे मैंने अभी बताया था कि इंक्रीज इन ड्यूरेशन और इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी भी टाइम के साथ बढ़ती जाती है। देयर एसोसिएशन विद व्हाट इज वी कॉल शो, शो का मतलब है ब्लड स्टेन म्यूकस डिस्चार्ज को हम शो कहते हैं। एंड इसके साथ जब कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो सर्वाइकल चेंजेस भी शुरू होती है। सर्वाइकल में प्राइमरी ग्रेविटा में एक इफेसमेंट होता है और डायलिटेशन, और मल्टी ग्रेविटा में डायलिटेशन होता है। और जब तक सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट नहीं होगी तब तक बच्चे का बर्थ नहीं होगा। और फास्ट लेबर के पेन क्या होते हैं, वो जब पेन्स आपके इरेगुलर है, उनका कोई इंटरवल और कोई सेट पैटर्न नहीं है और ये खाली अपने लोअर एब्डोमेन में कन्फाइंड रहते हैं, ये नहीं कि पीछे बैक शिफ्ट होती है और फ्रंट में आते हैं, और इनकी कोई ड्यूरेशन भी नहीं बढ़ती, कोई इंटेंसिटी भी नहीं बढ़ती, कुछ नहीं होता, शो भी नहीं एब्सेंट होता इसमें, और इसमें कोई सर्वाइकल चेंजेस नहीं होती क्योंकि ये लेबर पेन्स इफेक्टिव नहीं है। अब हमारा प्लान क्या है, प्लान हमारी उसकी कैसी जनरल कंडीशन है उसके बारे में डिपेंड करता है। तो हमारा एक सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि ये हमारी जो जेस्टेशन है उसका हम कैलकुलेशन ठीक तरह से करें। एक ग्रुप होता है जब पेशेंट जो है वो 34 वीक्स से 37 वीक्स के बीच में है। तो इन केसेस के अंदर हम लोग कोई भी प्रीटर्म लेबर को प्रिवेंट नहीं करते, हम उसकी डिलीवरी होने देते, कोई भी इस तरह से एक्टिव एक्शन नहीं करते। इन केसेस में देखा गया है 1/3 केसेस के अंदर प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है। उस केस के अंदर हमारा पूरा असेसमेंट करेंगे, हम पूरी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसका फीटल हार्ट देखेंगे, उसका प्रेजेंटेशन क्या है वो उसको देखेंगे, और इन केसेस के अंदर हम इनको एरिथ्रोमाइसिन देते हैं। और एरिथ्रोमाइसिन आपको सभी को मालूम है कि 250 से लेके 500 मिलीग्राम 6 आवरली इस दवाई को देते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे फिर हम। एक ग्रुप है जो कि 24 वीक्स और 32 वीक्स के बीच में जो एक्सट्रीमली प्रीटर्म पेशेंट्स हैं, इन पेशेंट्स के अंदर ये जो है अगर डिपेंडिंग अपॉन आपके पास फैसिलिटी है इन छोटे से बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए, तो नहीं तो इनको Level 3 नर्सरी की जरूरत होती है। तो हम क्या करते हैं इन पेशेंट्स को, हम इन लोगों को शुरू में मैक्सेल्फ देते हैं
और मैक्स हेल्थ के साथ साथ हम डेक्सामेथासोन भी देते हैं, और फिर ये टाइम जो हमें 24 आवर्स 48 आवर्स का मिलता है इसमें हम इस पेशेंट को उस फैसिलिटी में भेजने की कोशिश करते हैं जहां इन बच्चों की डिलीवरी हो और वहां पर न्यूनेटल फैसिलिटीज इनको लुक आफ्टर करने के लिए होनी चाहिए। एक बीच का ग्रुप है जिसके कि अंदर वो 34 वीक से कम होते हैं और 32 वीक्स के बीच में होते हैं। अब इस पर्टिकुलर ग्रुप में भी हमें देखना है कि अगर हमें को थोड़े से वीक्स अगर हमारे को मिल जाएंगे तो हम उसको ज्यादा अच्छी तरह से लुक आफ्टर कर रहे हैं। ना तो जिन पेशेंट्स को हम लोगों ने प्रीटर्म पेशेंट्स हैं और उनको हमें टोकोलिटिक ड्रग्स देना है, तो टोकोलिटिक ड्रग्स में आपको मैंने अभी बताया कि अगर बहुत ही एक्सट्रीमली प्रीटर्म बच्चे होते हैं जो 32 वीक से कम होते हैं, इनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, उन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को कम करने के लिए हम मैक्स हेल्थ देते हैं। अगर आपने मैक्स हेल्थ नहीं दिया है तो आप इन पेशेंट्स को निफेडिपिन जो कि ब्लड प्रेशर के लिए एक दवाई होती है उसको हम प्रीटर्म लेबर के लिए भी यूज करते हैं, उसको भी हम दे सकते हैं। मैं इसके बारे में भी आपको पूरे डिटेल में बताती हूँ। अब हमारे को ये जो निफेडिपिन कैसा है इसको कैसे यूज करते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये कंट्रैक्शंस को धीरे धीरे स्लोली खत्म करता है और हमारे बर्थ को हम क्या हमारा एम है, हमारा एम है कि 24 घंटे से लेकर 48 घंटे हमें मिल जाए। ना इस जो हमें एक या दो दिन हमें मिलेंगे इसमें हम एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हम अगर इस पेशेंट को डेक्सामेथासोन हमने नहीं दिया है तो हम इसको डेक्सामेथासोन देंगे। डेक्सामेथासोन के बारे में एक बात बिल्कुल क्लियर है, इसको 6 मिलीग्राम हर 12 घंटे में चार डोजेस देते डेक्सामेथासोन। और अल्टरनेटिव है कि हम बीटा मेथासोन दे सकते हैं इनको, वो 12 मिलीग्राम हर 24 घंटे में 2 बार देते हैं। कहते हैं कि हमारे जो सॉल्ट बीटा मेथासोन का हिंदुस्तान में अवेलेबल है उसकी उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि डेक्सामेथासोन है, तो सभी लोग हम लोगों को डेक्सामेथासोन देना चाहिए। डेक्सामेथासोन बहुत ही सभी लोग इमरजेंसी में इसको रखते हैं, फ्रीली अवेलेबल ड्रग है, बहुत सस्ता सा ड्रग है और इसको हमें 6 मिलीग्राम जो है 12-12 घंटे में 4 बार इसको हमें देते हैं। जिन पेशेंट्स को हमने मैक्स हेल्थ दिया हुआ है उसमें हम निफेडिपिन को नहीं देते। जिन्हें हमें मैक्स हेल्थ दिया हुआ है वो वैसे ही टोकोलिटिक एजेंट है तो हमें और किसी दूसरे टोकोलिटिक एजेंट्स की जरूरत नहीं है। निफेडिपिन को एक और भी है कि जब भी आपको पता चले कि कोई हार्ट की प्रॉब्लम है इस पेशेंट को उसमें भी हम नहीं देते, और जब हमें ये पता चले कि सर्विस डिलीवरी जो है अभी बस 1-2 घंटे में हो जाने वाली है उस केस में भी हमने निफेडिपिन को नहीं देना है। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है किस कब देते हैं हमने, ये इफेक्टिव ड्रग है 34 हफ्ते से पहले कम की प्रेगनेंसी होनी चाहिए। जिन पेशेंट्स को हमने डेक्सामेथासोन नहीं दिया है उनको हमें डेक्सामेथासोन देना है क्योंकि हम बच्चे की लंग की मेच्योरिटी चाहते हैं, तो इसलिए हम इसको डेक्सामेथासोन देते हैं। मैंने बीटा मेथासोन भी दे दिया जा सकता है, और जो सॉल्ट है वो बहुत अच्छा सॉल्ट हमारे पास हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं है तो इसलिए हम लोग देते रहे हैं अभी तक, बट अगर डेक्सामेथासोन मिल जाए तो हमें डेक्सामेथासोन देना चाहिए। ये जो आपको मैंने अभी आपको निफेडिपिन बताया उन केसेस में नहीं देते जिसमें ऑलरेडी आपने मैक्स हेल्थ दिया हुआ है, और जिन पेशेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम होती है उसमें भी हम इसको नहीं देते, और जब भी पेशेंट्स की डिलीवरी 1-2 घंटे में आपको लगता होने वाली है उन पेशेंट्स में भी हम इसको नहीं देते। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट वही कि हमें 1 या 2 दिन मिल जाए जिससे कि अगर इस मरीज को हम दूसरी फैसिलिटी में भेजना चाहते हैं जहां पर बच्चों को अच्छी तरह से लुक आफ्टर किया जाए तो वो हमारे वो समय मिल जाता है। और फिर डेक्सामेथासोन को भी एक्शन का समय चाहिए तो उसके लिए भी हमें 2 दिन चाहिए, तो उसके लिए भी अच्छा है। तो ये इसकी 2 बिगेस्ट एडवांटेज है कि हम डेक्सामेथासोन दे सकते हैं, और दूसरी चीज है हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, रिलेटिव्स को प्रिपेयर कर सकते हैं कि कहाँ पर हमें बड़े सेंटर में इनको अगर ले जाना है तो हम वहां पर भेज सकते हैं। ना इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, साइड इफेक्ट्स ज्यादातर आपके नौशिया, हेडेक क्योंकि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड ड्रग है ये, तो हेडेक और फ्लशिंग पेशेंट फील करते हैं, सभी लोग नहीं करते पर लोग कुछ करते हैं, और ये पेल्पिटेशन भी और डिजीनेस भी कुछ लोगों को देता है। इसका जो सीवियर रिस्क है इसका आपको कई बार हाइपोटेंशन हो जाता है, तो इन पेशेंट्स को हमारे को जब भी देते हैं तो हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं है, कोई एक्यूट हाइपोटेंशन तो नहीं है, बट आपको ज्यादातर ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं मिलेगी। इससे पहले इसको सबलिंगुअली देते थे, अब इसको सबलिंगुअली नहीं देते, इसको ओरल रख देते हैं।
लोडिंग डोज क्या होगी इसकी, इसकी 20 मिलीग्राम माउथ से इसको देते हैं, इसको शुरू में 20 मिलीग्राम इसकी लोडिंग डोज है, और उसके बाद जो मेंटेनेंस डोज है वो हर 6 घंटे में या हर 4 घंटे में हम एक 1-2 टैबलेट दैट इज 10 मिलीग्राम से 20 मिलीग्राम तक हम हर 6 घंटे में इसको दे सकते हैं, और इसको 48 आवर्स तक दिया जाता है। हम किसी भी हालत में इसकी डोज जो टोटल डोज 24 घंटे में है वो 180 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है। फिर आई रिपीट अगेन, जो लोडिंग डोज होगी वो 20 मिलीग्राम होगी, मेंटेनेंस डोज हर 6 घंटे में हम देंगे वो आपकी 1-2 टैबलेट होगी दैट इज 10-20 मिलीग्राम, और किसी भी हालत में हम एक दिन में 180 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं देंगे। Now, जब भी हमारे पेशेंट्स को प्रीटर्म लेबर के साथ प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है तो इसमें इंफेक्शन की प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऐसे केसेस में द ड्रग ऑफ चॉइस एवरीवेयर इज एरिथ्रोमाइसिन टू प्रिवेंट द इंफेक्शन ऑफ द जेंटल ट्रैक्ट। नाउ इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, हर हालत में ये पेशेंट जो है 37 वीक से कम होनी चाहिए और कोई नॉन एलर्जी एरिथ्रोमाइसिन से नहीं होनी चाहिए। इन पेशेंट्स को हम मॉनिटर करते हैं अच्छी तरह से, इन्फेक्शन के लिए देखते हैं, कोई फीवर तो नहीं है, कोई टैकीकार्डिया तो नहीं है, कोई यूट्राइन टेंडरनेस तो नहीं है, ये सब चीजें देखते हैं। और इसका मेन कार्य है कि ये इन प्रीमेच्योर डिलीवरी के केसेस में प्रीमेच्योर रप्चर मेम्ब्रेन के साथ थे जो असेंडिंग इन्फेक्शन नीचे से हो जाती है बार बार हमारे देखने से, वो आपकी प्रिवेंट हो जाती है। डोज क्या होगी, उसको 250 मिलीग्राम हम 4 आवरली देंगे और इसको 10 दिन तक देते हैं। इसको इस एंटीबायोटिक को तभी बंद करेंगे जबकि पेशेंट की डिलीवरी हो गई। इफ एरिथ्रोमाइसिन इज नॉट अवेलेबल फिर क्या करेंगे, तो हर हालत में हमें ऑगमेंटिन वाला ड्रग नहीं यूज करना, उसका नाम है एमोक्सीक्लेव, या ऑगमेंटिन नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि ये प्रीटर्म बच्चों के अंदर नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस करता है जिससे कि पेशेंट्स को बहुत ज्यादा बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है और नियोनेटल मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी की तरफ जाते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या है एरिथ्रोमाइसिन के, इसका डायरिया, नौशिया, वॉमिटिंग और कई बार एलर्जिक रिएक्शन भी इसके कारण हो सकते हैं। तो हमने जाना व्हाट मेडिकेशन एंड ड्रग्स वी शुड यूज फॉर प्रीटर्म लेबर। हम एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात करते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि डेक्सामेथासोन बहुत फ्रीली अवेलेबल है, सस्ता सा ड्रग है, इसको हम 6 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली देते हैं हर 12 घंटे में और 4 डोजेस देते हैं। दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि आपको बीटामेथासोन दे सकते हैं, 12 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली देते हैं और इसको 2 डोजेस देते हैं 24 आवर्स अपार्ट, एक आज देंगे और एक कल देंगे। ये भी फ्रीली अवेलेबल है और सस्ता सा ड्रग है। हम कम नहीं देंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब हमको लगे कि पेशेंट को फ्रैंक कोरियोमेनिनजाइटिस है, फ्रैंक कोरियोमेनिनजाइटिस है, वो कब होगी जब प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होगा, तब इस पेशेंट इसको स्टीरॉइड को नहीं देते। Now, फिर मैं रिपीट करती हूँ, हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड कब देते हैं, हम इसको 24 वीक से लेकर 34 वीक्स तक इसको दिया जाता है, और कंडीशंस विच लीड टू इमिनेंट डिलीवरी लाइक एंटीपार्टम हेमरेज, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, सीवियर पीईटी एंड एक्लैम्सिया है, इसमें हम इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को नहीं देते। ये 3 इसकी कंट्राइंडिकेशन है, सीवियर एक्लैम्सिया, प्रीएक्लैम्सिया एंड एक्लैम्सिया, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, एंड जब भी आपको एंटीपार्टम हेमरेज हो, इनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड को नहीं दिया जाता। Now, साइन एंड सिम्टम्स क्या है जिससे हमें पता चले कि पेशेंट को ऑब्वियसली कोरियोमेनिनजाइटिस की प्रॉब्लम है। इन पेशेंट्स को फीवर होगा, दे विल हैव अ लोअर एब्डोमिनल पेन, बाउल स्मेलिंग, वजाइनल डिस्चार्ज होगा, टेंडर यूट्रस, हाथ लगाएंगे तो पेशेंट को दर्द होगा बिकॉज देर इज सब जगह इंफेक्शन है इसको, मेटर्नल फीटल टैकीकार्डिया होगा, हाउ टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, बच्चा प्रीटर्म पैदा हो गया
और ये प्रीटर्म बच्चे को हम किस तरह से हाइपोथर्मिया प्रिवेंट करें। इसके लिए ये बच्चे जो प्रीटर्म बच्चे होते हैं वो स्मॉल साइज भी होते हैं और इनको हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम रहती है। एक तो चीज ये है कि पहले हम लोग इन बच्चों को नहलाते थे, तो एक तो चीज ये है कि आपको रूल ऑफ थंब है कि इन बच्चों को हमने 7 दिन तक नहलाना नहीं है। एक का नाम है KMC कंगारू मदर केयर। हमारे यहाँ पर गांव में छोटे सिटीज के अंदर छोटे नर्सिंग होम्स के अंदर कई बार फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल होती है, तो पर ये जो कंगारू मदर केयर है इसको कहीं पर भी किसी सेटिंग्स में दिया जा सकता है। इससे क्या हो जाता है कि जब भी हम पेशेंट बच्चे को ट्रांसफर करना चाहते हैं और किसी से फैसिलिटीज के अंदर, तो बच्चे को माँ की गर्मी से बच्चे को हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम नहीं रहती। कंगारू मदर केयर में मेन चीज है प्रीटर्म बच्चे, जो स्मॉल साइज बच्चे हैं उनको हम हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम से प्रिवेंट करते हैं। ये बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर और खूबसूरत तरीका है लो बर्थ वेट बच्चों को हाइपोथर्मिया से बचाने का। ना इसमें क्या होता है, इसमें मेन चीज है स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट। बच्चे की स्किन और मदर की स्किन का कॉन्टेक्ट होगा तो मदर की स्किन से उसको टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा। मदर अगर मदर नहीं है तो कोई भी केयर गिवर सब्स्टिट्यूट भी कोई भी हो सकता है, वो लेडी भी हो सकता है जेंटलमैन भी हो सकता है, दोनों ही इसको कर सकते हैं। वो उनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट केयर गिवर। इसके अंदर एक्सक्लूसिव एंड फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग दी जाती है एंड WHO इसको बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं हर सिचुएशन में। नाउ इसको मैं डिटेल्स में बताती हूँ कैसे करते हैं। बेनिफिट्स क्या है, ये देखा गया जब भी आपको कंगारू मेडिकल मदर केयर दी जाती है तो बच्चों का वेट इंप्रूव हो जाता है, उनकी हाइट हेड सर्कमफेरेंस भी साथ साथ इंप्रूव होता है, इनकी ब्रेस्ट फीडिंग का जो है देखा गया कि वो बहुत अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग को अडॉप्ट कर लेते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग लेते हैं, एंड हाइपोथर्मिया का इंसिडेंस बहुत ही कम हो जाता है इन केसेस के अंदर और मदर और बच्चे की बॉन्डिंग बहुत बढ़ जाती है। इन्फेक्शन के चांसेस भी इन बच्चों को कम होते हैं और देखा गया है कि अगर आपने टेम्परेचर मेंटेन कर लिया, ब्रेस्ट फीडिंग दे ली, इन्फेक्शन प्रिवेंट करिए तो इनको इन बच्चों को आराम से बचाया जा सकता है, चाहे वो कितने भी प्रीटर्म बच्चे हो कितने ही छोटे बच्चे ना हो। ना पोजीशन और हैंडलिंग आपको सीखनी है। ना इसमें आप देखते हैं कि इन बच्चों को they are placed between the two breasts of the mother. Secondly, इन बच्चों के देखा है आपका बच्चे का lower end में bottom में उसको पकड़ते हैं और frog like position देख ली आपने, बच्चे का head एक side में करते हैं और बच्चे की आपने देखा किस तरह से arm flexed है। So again I repeat, बच्चे को mother's की दोनों breast के बीच में रखा जाता है, बच्चे का head side में turn करते हैं, देखो बिल्कुल फ्रॉग लाइक पोजीशन है बच्चे ने ले ली है और माँ जो है अपने राइट हैंड साइड से बच्चे की जो बटक्स है उसको होल्ड करती है और दूसरा हाथ से उसका हेड सपोर्ट करती है। हाउ वन कैन गिव कंगारू मदर केयर आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ड्यूरिंग द रिकवरी टाइम मैंने आपको बताया किस तरह से स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट देना है मदर एंड चाइल्ड का, और एट ए टाइम 1 to 3 hours इसको दिया जा सकता है। हर हालत में एक सेशन 1 घंटे से तो बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, इसको ज्यादा भी बढ़ाया जा सकता है। बस एक कंडीशन है कि बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल रही हो, बच्चे को IV ड्रिप नहीं लग रहा हो, तब इसको आराम से दिया जा सकता है। आपको रिमूव इन्फेंट फ्रॉम स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट ओनली फॉर चेंजिंग द डायपर्स, और अगर डॉक्टर्स उसको असेस करना चाहते हैं तो उसको तब इसको डिसकंटिन्यू करते हैं। When should the KMC to be discontinued? Only an infant taken off kangaroo mother
कैन टेक केयर व्हेन जेस्टेशन रीचेस, वो बच्चे का जो है या तो 37 वीक्स का हो गया है या उसका बच्चे का वजन जो है 2.5 किलोग्राम हो गया है, तब इसको हमें डिसकंटिन्यू करना चाहिए। तो हमने जाना कि इन पेशेंट्स को हमें ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कब इनिशिएट करनी चाहिए, तो ये आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। देखा गया है कि अगर आपने ब्रेस्ट फीडिंग को डिलीवरी के 1 घंटे के बीच में शुरू कर दिया, ये बच्चे के लिए सबसे बेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग का तरीका है। वो कहते हैं हाउ ऑफन वी शुड ब्रेस्ट फीड, वो कहते हैं हर 2 घंटे में हमें ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए, तो दिन में ये 8 से 10 बार हो जाएगी। पहला सवाल, ब्रेस्ट फीडिंग कब शुरू करनी चाहिए? 1 घंटे के बीच में शुरू करनी चाहिए, और कितनी बार करना चाहिए? हर 2 घंटे में इसको करना चाहिए। अगर ब्रेस्ट फीडिंग डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं तो हम एक एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क देते हैं। इसके 2-3 फायदे होते हैं। एक तो कंटिन्यूअसली ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होता रहता है, इसको इकट्ठा करते हैं और फिर कैसे देंगे हम इसको कटोरी और स्पून से दिया जा सकता है। और एक साउथ इंडिया में एक तरह का बच्चे के लिए पिलाने के नाम है, उसका नाम है पैलाडाई, उसको अभी मैं फोटो दिखाना चाहूंगी, उससे दिया जा सकता है। अगर बच्चा बहुत ही छोटा है तो उसके अंदर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल दी जाती है 10 नंबर की, और उसके द्वारा जी सिरिंज के माध्यम से भी इसको दिया जा सकता है। जब भी हमारे को एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क की जरूरत हो तो हमारे पास हमें दोनों चीज, या तो हमें एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क हो और हमें हम इसको चम्मच और कटोरी से दे सकते हैं, और या हम ट्यूब के द्वारा बच्चे की नोज में डालकर इसको ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं। टेक्निक के लिए बारे में आपको जरा अभी आपको दिखाएंगे, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किसको कैसे देना चाहिए। बट इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास माँ का एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क होना चाहिए, और मिल्क प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छा तरीका है। अगर माँ 2-3 दिन 4 दिन दूध नहीं बनाएगी तो दूध की क्वांटिटी कम हो जाती है। वर्किंग मदर्स ऑल्सो इसको मिल्क को निकाल के चले जा सकती है और अच्छी तरह से इसको स्टोर करके और उसको उनकी एब्सेंस में उनके घर वाले उस बच्चे को फीड कर सकते हैं। नाउ ये देखिए किस तरह से बच्चे को होल्ड करते हैं और एक कंटिन्यूस कॉलम से धीरे धीरे ब्रेस्ट फीडिंग इस पैलाडाई से फीड किया जा सकता है। अगर ये ना हो आपको तो आप चम्मच से भी कर सकते हैं। ये छोटे बच्चों में बिल्कुल सेफ पाई गई है, खाली आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब इसको फीडिंग कराने के बाद आपने बार्पिंग करानी बहुत जरूरी है। इफ द बेबी डज नॉट एक्टिवली एक्सेप्ट एंड सॉलो देन ट्राई जेंटली, इसको स्टिमुलेट करें बच्चे को और इसको फिर आप ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। Now, how to prevent infection in the newborn with a small size baby? Now, छोटे बच्चे होते हैं, उनको infection होने के chances बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इसमें क्या करते हैं? Before delivery हम क्या कर सकते हैं? मैंने अभी आपको बताया before delivery है mother की infection के लिए, हम कई बार premature rupture of membrane के लिए prophylaxis देते हैं। आपको मैंने अभी erythromycin की बात बताई। आपने partograph use करेंगे, unnecessarily PV examination नहीं करेंगे, उसका हमने बहुत खास ध्यान रखना है। आफ्टर डिलीवरी अवॉइड अननेसेसरी इंटरवेंशन, और जो हम रूटीनली हम बच्चों को सक्शन करते हैं, इन बच्चों के लिए पीटर बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जरूरत हो तो ही हमें सक्शन करने की जरूरत है। हमें अपनी हैंड हाइजीन का पूरा ध्यान रखना चाहिए जब भी बच्चे को हम हैंडल करते हैं। बच्चे को गंदे हाथों से बिल्कुल भी छूने की जरूरत नहीं है। एंड अवॉइड फ्रीक्वेंट हैंडलिंग ऑफ द चाइल्ड, फैसिलिटेट अर्ली एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अगर ब्रेस्ट फीडिंग माँ के लिए बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत के बराबर है और हमें अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग दैट इज 1 घंटे में शुरू कर देना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग को। हमें देखना है कि बच्चे की बॉडी और उसकी जो कॉर्ड केयर है वो बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए, और हमारे को जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो तब हमें उन इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में नहीं लाना चाहिए। कंगारू मदर केयर इन्फेक्टेड मदर के साथ नहीं किया जा सकता। तो हमने क्या क्या किया, हमने जाना कि प्रीटर्म बेबी क्या होते हैं, प्रीटर्म बर्थ क्या होती है, हमने छोटे से बच्चे के को हाइपोथर्मिया से कैसे बचाएंगे, दैट इज कंगारू मदर केयर के द्वारा। उसके आपने फायदे जाने,
कि बच्चे का वेट बढ़ता है, बच्चे का हाइट बढ़ती है, और बच्चे को देखा गया कि इन्फेक्शन कम होती है और बच्चे की डेथ होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। हमने ये भी जाना कि जो एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है उसको 24 हफ्ते से 34 हफ्ते के बीच दिया जाता है, और मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमें डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम हर 12 घंटे में 4 डोजेस देंगे, और अगर आप बीटा मेथासोन यूज कर रही हैं तो 12 मिलीग्राम हमने 24 घंटे में 2 बार इस तरह से हमने डोजेस दे दी है। इसका मेन चीज है कि आप बच्चे की जो पल्मोनरी मैच्योरिटी है उसको आप एक्सेलरेट करते हैं। की मैसेजेस है, बिफोर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन इट इज कॉल्ड प्री टर्म बर्थ। 37 वीक्स पूरे हो जाएं तो हम उसको बोलते हैं कि ये टर्म बेबी है। हमने ये भी जाना कि हम जेस्टेशनल एज को बहुत क्रूशियल है इसके बारे में जानना। अगर उसकी नॉन डेट्स है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड तो हम वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर उसका कोई रीसेंट अल्ट्रासाउंड है वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो रफली आपके सिंफिजियल फंडल हाइट लेकर उससे भी हम आपको रफ हमें आइडिया हो जाएगा ये कितनी जेस्टेशन है। डेक्सामेथासोन और बीटा मेथासोन के बारे में आपने जाना। कॉर्टिकोस्टेरॉइड कब हम नहीं देते, जब भी कोरियोमेनिनाइटिस होती है और जब भी आपको लगता है कि पेशेंट को सीवियर पीटी और एक्लेम्सिया है, पेशेंट को एंटीपार्टम हेमरेज है, उस केसेस में हम इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड को नहीं देते। आपने कंगारू मदर केयर को जाना, कितना वंडरफुल तरीका है बच्चे की हाइपोथर्मिया को बचाने की। एंड कितने दिनों तक दिया जा सकता है, जब तक कि बच्चा 37 वीक्स का ना हो जाए या उसका वेट 2.5 किलो का ना हो जाए, इस पर्टिकुलर बेनिफिट को आप दे सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, मदर की ब्रेस्ट के बीच में फ्रॉग जैसी पोजिशन लेके बच्चे का हेड एक साइड में करके बहुत अच्छी तरह से इसको दिया जा सकता है। आपने ये भी जाना कि बच्चे का जब प्रीटर्म बच्चा पैदा होता है तो न्यूबॉर्न रिसेसिटेशन में जब तक सक्शन की जरूरत नहीं है हमें सक्शन यूज नहीं करना, हमें बच्चे को पोंछना है और थर्मल केयर देनी है, और फीडिंग सपोर्ट मैंने अभी आपको बताया किस तरह से आप या तो नेजोगैस्ट्रो फीड दे सकते हैं या फिर आपने कटोरी और चम्मच के साथ इसको दिया जाए, किस तरह से बच्चे की इन्फेक्शन प्रिवेंट करते हैं और किस तरह से सेफ ऑक्सीजन थेरेपी हम इनको देते हैं। अगर बहुत प्रीटर्म बच्चों में कंटिन्यूसली ऑक्सीजन देता है तो देखा गया है उनको आंखों के में बच्चों की आंखों में भी असर आ जाता है। तो ये मैसेजेस को आपने जाना, कोई सवाल आपके हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल आपके हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सिंपल वे में पढ़ाया प्रीटर्म लेबर। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। एंड आई थैंक यू वेरी मच मिस्टर डॉक्टर एंजेला फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी अर्ली, क्योंकि आज समबडी इज कमिंग, आई थॉट आई विल बी रिलीव्ड अर्ली। नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात एक्चुअली शांता इज जस्ट कमिंग, सो फिर मैंने कहा कि मैं आपसे रिलीव हो जाऊं। थैंक यू मैडम, ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। डायरेक्टर है डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, एंड शी इज अ वेरी फेमस पर्सन, वेरी फेमस ऑब्स्टेट्रिशियन, और पेशेंट्स की बहुत प्यारी डॉक्टर है, एंड वी ऑल लुक अप टू हर, एंड अ वेरी गुड टीचर ऑल्सो, ऑलरेडी बहुत सारे टीचिंग प्रोग्राम्स दिल्ली में ऑलरेडी कर रही है, तो अब आपको वो पढ़ाएंगी प्री एक्लेम्सिया के बारे में। ओवर टू यू मैम। हाँ जी, अरे क्या कर लिया मैंने, एक सेकेंड, आपको मेरी स्लाइड्स दिख रही है? यस मैम, यस मैम, स्लाइड्स आर विजिबल। हाँ जी, यस मैम, मैं एक बार स्लाइड शो करती हूँ, मुझे बताना सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इट्स फाइन नाउ? Yes, ma'am. अच्छा, प्रियंका मेरी दिख रही है ना सारी स्लाइड? Yes, ma'am. दिख रही है, फुल स्क्रीन भी है मैम। ठीक है,
थैंक यू. गुड आफ्टरनून एवरीवन. आज मैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बताने जा रही हूँ कि कब कब ये ब्लड प्रेशर नुकसान हो सकता है और उसके लिए हमें क्या कर सकते हैं. इसको हम प्रीएक्लाम्प्सिया, सिवियर प्रीएक्लाम्प्सिया और एक्लाम्प्सिया के बारे में आज बात करेंगे. सो स्टैंडर्ड, आज हमने पहले देखना है कि स्टैंडर्ड्स क्या है, कि हमें उन प्रेग्नेंट मदर्स को आइडेंटिफाई करना है जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या जिनको रिस्क है कन्वर्जन थ्रो करने के लिए. तो इसका जो वेरिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं कि हमें हर प्रेग्नेंट पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए जब वो हमें एंटीनेटल दिखाने आए या जब वो लेबर में दाखिल हो, तो हमें उनका ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करके डॉक्यूमेंट करना चाहिए. और साथ ही साथ यूरिन की एक बॉटल आती है जिसको हम यूरोस्टेक्स बोलते हैं, उसको हम डिप करके यूरिन चेक करके देखें कि उसमें यूरिन में प्रोटीन की मात्रा कितनी है. फिर उसका डिफरेंट डिफरेंट कलर के रंग आते हैं और उनके रंग की स्ट्रिप को हम जो बॉटल पे रंग बना हुआ है उससे मैच करके देखें कि वो 1+ है कि 2+ है कि 3+ है. एक तो ये बहुत ज़रूरी है. दूसरा, हमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स जो हमारे वार्निंग साइंस होते हैं, हेडेक है, पेट में दर्द है, एपिगेस्टिक ऊपर पार्ट में दर्द होना, राइट साइड के ऊपर पेट में दर्द होना, आंखों से ठीक तरह से नहीं दिखना, ये सारे हमारे वार्निंग साइंस हैं. दूसरा, आज हम सीखेंगे कि करेक्ट डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट जो कन्वर्जन्स को प्रिवेंट करने के लिए भी दी जाती है और जिसको कन्वर्जन करें उसको भी दी जाती है. और हमें अपनी फैसिलिटी में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कौन सी देनी चाहिए और कैसी देनी चाहिए. एंड वी इंश्योर्स द स्पेशलिस्ट अटेंशन ऑफ केयर ऑफ द मदर एंड द न्यू बॉर्न एंड हू परफॉर्म्स द नर्सिंग केयर. सो ये पहला केस है कि जिसके अंदर मैं आपसे बताऊंगी कि एक लेडी है जो 37 वीक्स प्रेग्नेंट है, वो हॉस्पिटल में आती है विद अ सिवियर हेडेक और एग्जामिनेशन पे है उसका ब्लड प्रेशर 170-110, पल्स 88 है, रेस्पिरेटरी रेट 20 है, प्रोटीन यूरिया 3+ है. आप इस पेशेंट का क्या करेंगे? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है. सो ब्लड प्रेशर क्या है? और ये एक ब्लड प्रेशर होता है जेस्टेशनल ब्लड प्रेशर. इसका मतलब आपकी प्रेगनेंसी में आपने पहली बार इसको डायग्नोज किया है. जब ब्लड प्रेशर 140-90 आए, 4 घंटे के इंटरवल के ऊपर आए और हमने 2 बार कम से कम चेक करना है और 20 वीक्स के जेस्टेशन के बाद, तो ये ब्लड प्रेशर को हम जेस्टेशनल ब्लड प्रेशर कहते हैं. बट ये हम तभी डायग्नोज कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई रीडिंग हो ब्लड प्रेशर की 20 वीक्स से पहले की और बाद की. क्रॉनिक हाइपरटेंशन क्या होता है? कि जिस पेशेंट को प्रेगनेंसी से पहले या 20 वीक्स से पहले ही ब्लड प्रेशर चल रहा हो उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं. और जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है जिसको हमने जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलते हैं, उसका मैंने अभी आपको बताया है कि ब्लड प्रेशर 140-90 या इससे ऊपर हो एटलीस्ट ऑन 2 occasions 4 hours अपार्ट आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, दिस इज कॉल्ड प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन. अगर ये क्रॉनिक हाइपरटेंशन है जिसको ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी से पहले है या 20 वीक्स से पहले है, हमें ये पेशेंट्स को प्रीएक्लाम्प्सिया मतलब प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर और भी बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं. हमें कैसे पता चलेगा कि इनको ब्लड प्रेशर बढ़ गया? या तो उनका ब्लड प्रेशर पहले से बढ़ गया या अब वो ठीक नहीं हो पा रहा कि हाई ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया, या उसको यूरिन में पहले प्रोटीन्स नहीं थे अब आने लग गए, या उसको कुछ और सिम्टम्स होने लग गए जैसे क्रिएटिनिन बढ़ने लग गया, लिवर एंजाइम्स बढ़ने लग गए. सो इन सबको हम बोलते हैं क्रॉनिक हाइपरटेंशन विद सुपर इम्पोज्ड प्रीएक्लाम्प्सिया. जो डेफिनेशन अब चेंज हुई है वो चेंज हुई है प्रीएक्लाम्प्सिया की. अब प्रीएक्लाम्प्सिया क्या है? कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140-90 ऑन 2 occasions 4 hours apart after 20 weeks of gestation with at least one of the following criteria. मतलब इस ब्लड प्रेशर को जब हमने दो दो बार लिया है 4 घंटे के इंटरवल पे, उसके साथ हमारे अगर हमने एक चीज और होनी चाहिए वो क्या हो सकती है? या तो यूरिन में जो हमने डिपस्टिक किया उसमें यूरिन एल्ब्यूमिन 2+ से ज्यादा आए, और अगर हमने ब्लड टेस्ट किया तो उसमें प्लेटलेट 1 लाख से कम आते हैं, सीरम क्रिएटिनिन, ये सारे टेस्ट हमें एक हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट के कराने ही चाहिए.
जैसे हम आपको मैं बताऊंगी कंप्लीट ब्लड काउंट कराना चाहिए, किडनी फंक्शन कराने चाहिए, लिवर फंक्शन कराने चाहिए, हमें उसका कोगुलेशन प्रोफाइल कराना चाहिए, तभी हमें पता चल पाएगा इस पेशेंट की सिवेरिटी क्या है। तो अगर क्रिएटिनिन 1.1 से ज्यादा होता है या ये डबल हो जाता है, अगर आपके पास पहले कोई उसकी रीडिंग है और इस पेशेंट को कोई किडनी डिजीज नहीं है। लिवर ट्रांसएमिनेस क्या है, इनको हम SGOT SGPT भी बोलते हैं और AST ALT भी बोलते हैं। अगर इसकी मात्रा 2 times बढ़ जाए, जो आपकी लेबोरेटरी का रेफरेंस अपर लिमिट ऑफ रेफरेंस रेंज है, इसका मतलब इस पेशेंट को सिवियर प्रीएक्लैम्प्सिया है, और पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा मतलब चेस्ट में पानी भर जाना, पेशेंट को एक हेडेक जिसको पहले कभी नहीं हुई हो, उसको बहुत सिवियर फ्रंटल हेडेक हो, और जो आपकी रूटीन एनर्जेसिक है लाइक क्रॉसिंग वगैरह से ना ठीक हो, इस पे हमें बहुत ध्यान रखना है। या पेशेंट को विजुअल सिम्टम्स हो लाइक उसको ठीक तरह से नहीं दिख रहा, आंखों से ब्लरिंग विजन हो रही है, फ्लैशेस ऑफ लाइट्स हैं, स्पार्क्स आ रहे हैं, ये सारे सिवियर प्रीएक्लैम्प्सिया के सिम्टम्स हैं। और सिवियर जो प्रीएक्लैम्प्सिया विद सिवियर फीचर्स क्या है कि, और या सिवियर हाइपरटेंशन क्या है जिसके अंदर हमारा ब्लड प्रेशर पहले ही रीडिंग में 160-110 से ऊपर आए, जैसे ये पेशेंट जो हमने अभी डिस्कस किया इसमें 170-110 है। सो वन रीडिंग मोर देन 160-110 इज अ सिवियर प्रीएक्लैम्प्सिया। और सिवियर फीचर्स क्या है जो मैंने अभी आपसे सारे डिस्कस किए हैं कि पेशेंट को ठीक तरह से नहीं दिखे, खूब हेडेक हो रही हो, लिवर एंजाइम्स बड़े हो, प्लेटलेट्स 1 lakh से कम हो, क्रिएटिनिन मोर देन 1.1 हो, या पहले से डबल किया हो, या पल्मोनरी एडिमा हो। सो दिस इज अ पेशेंट विच इज अ सिवियर प्रीएक्लैम्प्सिया विद सिवियर फीचर्स, और ये पेशेंट्स का बहुत हाई रिस्क है हमको कि इस पेशेंट ये फिट थ्रो कर सकता है जिसको हम एक्लैम्प्सिया कहते हैं, ये हेल्प में जा सकते हैं, और या इन पेशेंट्स का कोई ब्रेन हैमरेज, लिवर की हैमरेज, लिवर एबनॉर्मेलिटीज, हेपेटिक रप्चर, ये और रीनल फेलियर, इन पेशेंट का एब्रप्शियो प्लेसेंटे हो जाना, DIC में चले जाना, ये सारे पेशेंट को ये हाई रिस्क फैक्टर्स कहता है, और इन सब पेशेंट्स को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए और इमिजिएटली हॉस्पिटल में एडमिट कर लेना चाहिए। अब जो ये पेशेंट हमारे पास 37 वीक्स में आई है और उसको हेडेक हो रही है और 170-110 है, पहली बात ऐसे पेशेंट को हम कभी घर पे नहीं भेजेंगे, उसको हम हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, और एडमिट करके उसको कन्वर्जन से बचाने के लिए हम उसको मैग्नीशियम सल्फेट देंगे और उसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि एक्लैम्सिया हमारे कंट्री में बहुत कॉमन है और ये सेकेंड कॉज है मैटरनल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का। 50,000 वुमेन हर साल एक्लैम्प्सिया से मरती हैं, और एक्लैम्प्सिया प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, डिलीवरी होते होते भी पेशेंट फिट थ्रो कर सकता है। इसके बाद सब सोचते हैं कि एक बार ब्लड प्रेशर का पेशेंट मॉनिटर हमने डिलीवर करा लिया और ये पेशेंट हमारा ठीक है, अब इसको एक्लैम्प्सिया नहीं है, ये हमारा बहुत बड़ी भूल है। 25% ऑफ द पेशेंट दे थ्रो ए फिट आफ्टर द डिलीवरी। सो आप द डिलीवरी के बाद भी ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना, चाहे उसको ब्लड प्रेशर हो या ना हो, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पेशेंट्स को हम ब्लड प्रेशर को हम डायग्नोज कर सकते हैं और फिट थ्रो करने से इनको बचा सकते हैं। एक्लैम्प्सिया क्या है? एक्लैम्प्सिया इज अ अकरेंस ऑफ न्यू ऑनसेट जनरलाइज टोनिक क्लोनिक कन्वर्जन और गोइंग इन टू ए कोमा। इट कैन हैपन विद patient who had a severe preeclampsia with the severe feature जो मैंने आपको अभी बताया, या सिर्फ plain simple hypertension हो उसके cases में भी हो सकता है, या हमें इस patient के बारे में पहले नहीं पता था blood pressure का और वो अभी भी हो सकता है। Convulsions in pregnancy, labor, postpartum period should be considered eclampsia unless proven otherwise। बहुत जरूरी है कि जब भी एक प्रेग्नेंट पेशेंट फिट थ्रो करती है तो आपका पहला डायग्नोसिस एक्लैम्सिया होना चाहिए। उसके बाद आप चाहे उसको मेनिनजाइटिस हो, तो उसमें पेशेंट को फीवर भी होगा, नेक रिजिडिटी भी होगी। अगर आपका पेशेंट एक एपिलेप्सी की हिस्ट्री देता है तो वो पेशेंट एपिलेप्टिक हो सकता है, बट आपको वहां पे भी एक्लैम्सिया के बारे में पता होना चाहिए कि इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर क्या है। आप उसमें जरूर यूरिन चेक करके उसके प्रोटीन चेक करो, बाकी टेस्ट भी करो, क्योंकि एपिलेप्सी और एक्लैम्प्सिया दोनों का ट्रीटमेंट बहुत अलग अलग है, और एक्लैम्प्सिया और प्री एक्लैम्प्सिया इज द सेकेंड लीड कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया।
हमारे कंट्री का जो सबसे बड़ा कॉमन रीजन है वो हेमरेज है, और उसके बाद आता है प्रीएक्लाम्प्सिया। और ये कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय रेगुलरली मॉनिटरिंग द ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग एंटीनेटल विजिट एंड चेकिंग द यूरिन फॉर प्रोटीन्स एंड टाइमली आइडेंटिफाई द डेंजर साइंस। किसी को हेडेक हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ऊपर एपिगेस्टिक पेन हो रही है, या राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन हो रही है, या फ्लैशेस ऑफ लाइट है, ये सब कुछ बहुत जरूरी है डेंजरस साइन के। और इसकी जब ये साइंस हो, अभी पेशेंट ने फिट थ्रो ना किया हो, अगर हम उनको मैग्नीशियम सल्फेट दें तो हम उनको कन्वर्जन से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट ऑफ सिवियर प्रीएक्लैम्प्सिया और एक्लैम्प्सिया क्या है, ये पांच चीजें हमें याद रखनी है। सबसे पहले जिस पेशेंट को हमने अभी देखा, उसको सबसे पहले हमने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, उसके फिट्स को कंट्रोल करना है, और उसकी डिलीवरी करानी है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा रोल आता है वो आता है नर्सिंग केयर का। और इन पेशेंट्स को जो फ्लूइड है वो 1 to 1.5 ml/kg बॉडी वेट के हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि एक्सेस ऑफ फ्लूइड लोड ये पेशेंट बहुत बुरा लेते हैं और इनको चांसेस ऑफ पल्मोनरी एडिमा बहुत हाई हो जाता है। तो हमें एक स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट चार्ट जिन पेशेंट को ब्लड प्रेशर हो, एक्लैम्प्सिया हो, हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अब इन सब के बारे में मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या है? अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी के अंदर अगर ब्लड प्रेशर हो जाता है, पहले हम सारे 140-100 के ऊपर ब्लड प्रेशर पे दवाइयाँ शुरू करते थे, बट अब रिकमेंडेशन आती है कि अगर 130-90 से ऊपर ब्लड प्रेशर हो तो आप दे सकते हो। अल्फा मिथाइल डोपा अभी इजिली अवेलेबल नहीं है, पहले हम इसको यूज करते थे, बट अब हम लेबिटलॉल देते हैं 200 ट्वाइस ए डे और 400 मिलीग्राम ट्वाइस ए डे, डिपेंडिंग अपॉन क्या है पेशेंट का ब्लड प्रेशर क्या है। ये पहली मेडिसिन है जो टैबलेट स्टार्ट करी जाती है जब ब्लड प्रेशर बहुत हाई नहीं हो। और टारगेट हमारा क्या है कि हमारा ब्लड प्रेशर 130-85 टारगेट लेवल होना चाहिए। पहले 130-90 टारगेट लेवल था, बट अब जो पिछली स्टडीज आई हैं उसमें टारगेट लेवल 130-85 रखा गया है। वो क्यों रखा गया है? क्योंकि ये देखा गया है कि अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से ज्यादा हो तो मदर को कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हम इससे कम भी ब्लड प्रेशर नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी इसमें ऑलरेडी होती है, वो और बढ़ जाती है। इतना ब्लड प्रेशर का लेवल चाहिए ताकि बच्चे को भी खून ठीक तरह से जा सके। अगर ब्लड सिवियर प्रीएक्लैम्प्सिया है या एक्लैम्प्सिया है तो हमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है बाय गिविंग टैबलेट डिपिन और स्टार्ट्स विद एन इंजेक्शन लेबिटलॉल। और हमारा मतलब क्या है कि हमें कंट्रोल ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, कन्वल्जन्स को प्रिवेंट करना है, अगर हो जाती है तो कन्वल्जन्स को रोकना है, और सेफली टाइमली डिलीवरी करना। अगर एक लेडी को फिट थ्रो कर रही है तो सबसे पहले क्या करना है, आपने पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे डाल के इमीडिएटली कॉल फॉर हेल्प करनी है। आप सारा काम अकेला नहीं कर सकते, उसको गिरने से बचाना है और उसको चोट लगने से बचाना है। और ये भी देखना है कि बच्चे को जो ब्लड सप्लाई जा रही है वो ठीक ठाक जा रही है। तो बेस्ट होता है हम मदर को लेफ्ट लेटरल पोजिशन में डालें, और टंग इंजरी को बचाने के लिए कोई चम्मच डालने की जरूरत नहीं है, माउथ गैग को अंदर डालें। अभी कुछ भी सक्शन वगैरह मत करिए। अगर पेशेंट बेड पे है तो साइड रेलिंग्स को ऊपर कर लीजिए, अगर नहीं है आपके पास कुछ तो आप दोनों साइड्स पे पिल्लो लगा के पेशेंट को गिरने से भी बचा सकते हैं। अगर पेशेंट की ऑक्सीजन ठीक तरह से मेंटेन नहीं हो रही तो आप 6 to 8 liters ऑफ ऑक्सीजन को भी स्टार्ट कर सकते हो। लेफ्ट लेटरल पोजिशन से आप उसकी, जब पेशेंट एक फिट थ्रो करता है तो वो एस्पिरेट भी कर सकता है, तो अगर हम पोजीशन टिल्ट कर दें तो पेशेंट जैसे इस टाइम वॉमिट करे या उसके मुंह से झाग निकलती है तो वो उसको एस्पिरेट भी नहीं करेगा। और एक प्रेग्नेंट वुमन जो भी हो, चाहे वो लेबर में हो चाहे फिट थ्रो कर रहे हो, हमेशा 18 नंबर कैनुला से आप उसको एक IV कैनुला लगाइए जो एक ग्रीन कलर का होता है, और मैग्नीशियम सल्फेट अब आप उसको स्टार्ट करिए। एक बार जब आपका पेशेंट सेटल हो जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे दे सकते हैं, लोडिंग डोज हम उसको आराम से दे सकते हैं। पेशेंट को सेटल एक बार हो जाए उसकी, उसको करने में आधा घंटा लग जाता है, तब तक आप उसको एक फोलीस कैथेटर डालिए और उसको स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट आप चार्ट मेंटेन करिए।
लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन जो आप भेजेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, कोगुलेशन प्रोफाइल और एक ब्लड शुगर करेंगे। एक पेशेंट की एबीजी की सुविधा है तो एबीजी कर लेनी चाहिए, नहीं तो अंडर ईसीजी मॉनिटरिंग आप उसको लोडिंग डोज आप मैग्नीशियम सल्फेट की दे सकते हैं। कैथेटर जब आप डालते हैं तब आप यूरिन एल्ब्यूमिन भी चेक कर सकते हैं। उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे और डिलीवरी के लिए प्लान करेंगे। एक फिट जो पेशेंट थ्रो करता है उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड कोई भी जेस्टेशन हो देने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हमारा एम है कि उस पेशेंट को डिलीवर किया जाए। बट अ पेशेंट हु इज ऑफ अ सिवियर प्रीएक्लैम्प्सिया वेयर वी आर हैव कंट्रोल्ड द ब्लड प्रेशर एंड वी कैन गिव मैग्नीशियम सल्फेट एज अ प्रोफाइल एक्सेस अगेंस्ट कन्वर्जेंस, वो टाइम हम बाय कर सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने के लिए। मैडम चारदा जैन ने ऑलरेडी हमें बता दिया कि हमें कौन सा कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना चाहिए। अब हम मैग्नीशियम सल्फेट कहाँ कहाँ दे सकते हैं। एक्लैम्प्सिया जो पेशेंट फिट थ्रो कर रहा है या सिवियर प्रीएक्लैम्प्सिया जो पेशेंट एक रिस्क है फिट थ्रो करने के लिए, हमको उसके जो मैंने आपको पहले बताया था, इस पेशेंट को हेडेक हो रहा है, ब्लरिंग ऑफ विजन है, पेट में दर्द है, एपिगेस्टिक पेन है या क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, हेल्थ की तरफ जा रहा है, इन पेशेंट को कन्वर्जन से बचाने के लिए भी मीन्स प्रोफाइल एक्सेस के लिए भी हम मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं। अब हम मैग्नीशियम सल्फेट कैसे देंगे, अब ये हमें देखना है कि हमारी फैसिलिटी ऐसे पेशेंट को, क्योंकि दीज पेशेंट नीड एचडीयू और आईसीयू केयर, अगर हमारे पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है तो हम ये प्रिस्क्राइब्ड रेजिम है इसके अंदर हम 5-10 ग्राम डोज देनी है। 5 ग्राम जो डोज देनी है वो हमें डीप इंट्रामस्कुलर दोनों बटक्स में लगा के भेजनी है और साथ ही साथ हमें पेशेंट को एक हायर सेंटर में शिफ्ट करने के लिए एम्बुलेंस का भी अरेंज कर लेना चाहिए। अगर हमारे पास ऐसे पेशेंट्स को रखने की सुविधा है, मतलब आप बिना मैग्नीशियम सल्फेट लगाए या बिना आईवी ड्रिप लगाए प्लीज आप पेशेंट को कभी मत शिफ्ट करिए और ट्रांसफर के टाइम भी लेफ्ट लेटरल पोजिशन में ऑक्सीजन के साथ ही पेशेंट को शिफ्ट करिएगा। अगर हम अपने पेशेंट को अपने पास रख सकते हैं तो हमारे को जो लोडिंग डोज देनी है वो 4 ग्राम जो हमारा सोल्यूशन आता है, 1 एम्प्यूल में 1 ग्राम होता है और 2 ml होता है और उसके साथ में ये 50% सोल्यूशन होता है, इसको हमने 20% बनाना है। तो मतलब हमने 4 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट मतलब 8 ml को 12 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन या डिस्टल वाटर में डालकर ये 20% बनेगा, इसको हमने स्लोली ओवर 5-10 मिनट्स देना है। इसका एक सिंपल रूल है 1 ग्राम पर मिनट, तो धीरे धीरे ये अपने आप ही 5 मिनट से पहले नहीं देना। अगर आपके यहाँ ईसीजी की सुविधा है तो ईसीजी की सुपरविजन में दीजिएगा। जब आपने लोडिंग डोज दे दिया दैट हेल्प्स अ पेशेंट टू कंट्रोल द फिट्स, एट द सेम टाइम अब 5 ग्राम 50% सॉल्यूशन, इसको डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है किसी भी सलाइन में, आप 5 ग्राम 5 ग्राम ईच बटक में लगा देना। बट ये बहुत पेनफुल इंजेक्शन होता है, वी ऑल नो कि एनी पेनफुल स्टिमुलस कैन लीड टू एक्लैम्प्टिक फिट, तो हम इसको हमेशा 1 ml ऑफ 2% जाइलोकेन के साथ मिलाकर देते हैं ताकि पेशेंट को पेन मत हो। ये हमारी लोडिंग डोज है। उसके बाद हमें कैसे मेंटेन करना है, इसके बाद जैसे हमने जो मेंटेन करना है वो हम क्या करते हैं, हर 4 घंटे के बाद हम 5 ग्राम ऑल्टरनेट बटक्स में लगाते हैं। पहले हमने 4 ग्राम 20% सोल्यूशन के साथ 20% सोल्यूशन 1 ग्राम ओवर 1 मिनट दिया और साथ ही साथ हमने 5 ग्राम इंट्रामस्कुलर इन ईच बटक लगाया। मेंटेनेंस डोज हम हर 4 घंटे के बाद सिर्फ 5 ग्राम लगाएंगे 50% सोल्यूशन इन ऑल्टरनेट बटक्स। अगर हमने एक बार राइट में लगाया तो अगले 4 घंटे के बाद हम लेफ्ट में लगाएंगे और ये हम कंटिन्यू करेंगे जब तक पेशेंट की डिलीवरी ना हो जाए, मतलब मीन्स 24 आवर्स आफ्टर द लास्ट फिट और डिलीवरी तक इसको कंटिन्यू करना है, बिकॉज 1/3 ऑफ द वुमेन कैन स्टिल थ्रो ए फिट इन अ पोस्टपार्टम पीरियड। अगर इस डोज में फर्स्ट जो आपने डोज दिया उसके बाद भी अगर पेशेंट आपका फिट थ्रो करता है इवन ड्यूरिंग योर मेंटेनेंस थेरेपी, तब आप एडिशनल 2 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट को मतलब 4 ml को आप क्या कहते हैं 6 ml ऑफ सलाइन में डालकर 10 ml की सिरिंज यूज करिए और इसको भी हम स्लोली
ओवर 5 to 10 minutes देंगे, मतलब हाफ ऑफ द लोडिंग डोज वी कैन गिव, मीन्स 2 gram IV slowly as a 20% solution over 5 minutes to take care of the recurrent seizures. अगर इसके बाद भी आपकी पेशेंट की कन्वर्जन स्लो नहीं करते, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉल योर एनेस्थेटिस्ट और इंटेंसिविस्ट और अपने पेशेंट की आप इंटुबेशन करा के उसको वेंटिलेटर पे डाल दीजिए. अगर आप जब आप पेशेंट को ट्रांसफर करते हो तो हमें क्या करना है, तो आपने लोडिंग डोज दे दिया, जब तक पेशेंट को एम्बुलेंस नहीं आती, पेशेंट ट्रांसफर नहीं होता, तो आप उसको मेंटेनेंस डोज दे सकते हो. बट अगर ट्रांसफर के टाइम आपको उसको कोई दवाई नहीं देनी लेफ्ट एट्रियल पोजीशन में ऑक्सीजन के साथ, और आपने उसको क्या क्या दवाई दी है सब कुछ लिखकर उसकी डोज उसका टाइम बताकर भेजना है. अगर आपने बिना लिखे भेज दिया तो वहां पे जाके पेशेंट को दोबारा फुल लोडिंग डोज मिल गई तो उसको मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो सकती है. तो कंप्लीट हैंडओवर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब हमने पेशेंट को एक बार मैग्नीशियम सल्फेट लगा दिया, मेंटेनेंस डोज सब चल रहा है, हमें कैसे इस पेशेंट को मॉनिटर करना है और कैसे पता चलेगा कि पेशेंट के क्या साइड इफेक्ट्स हैं? जब हम लोडिंग डोज देते हैं तो कंटिन्यूस ECG मॉनिटरिंग करनी चाहिए. उसके बाद हमें पेशेंट की ऑक्सीजन सेचुरेशन करना चाहिए. आजकल तो पल्स ऑक्सीमीटर हर जगह मिलता है, हमारा टारगेट होना चाहिए कि 95% से ज्यादा ऑक्सीजन सेचुरेशन प्रेग्नेंट वुमन की रखनी ही रखनी है. रेस्पिरेटरी रेट देखना चाहिए जो 16 मिनट से ज्यादा होना चाहिए. यूरिन आउटपुट हर घंटे की कम से कम 25 से 30 ml होना चाहिए. पटेलर रिफ्लेक्स चेक करने चाहिए हर घंटे में. और अगर पेशेंट के ऐसे पेशेंट के पैरामीटर्स हमें हर 4 घंटे में या 6 घंटे में चेक करना चाहिए देखने के लिए कि डिटियोरेट तो नहीं हो रहा. और टॉक्सिसिटी के क्या साइंस है, देख ये सब अगर आपने मेंटेनेंस डोज हर 4-4 घंटे में लगानी है, हर 4 घंटे लगाने से पहले आपको देखना है कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट 16 से ऊपर होना चाहिए, उसके रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होने चाहिए और आउटपुट कम से कम 25 से 30 ml पर आर होनी चाहिए. टॉक्सिसिटी साइंस होते हैं जब हमारा आउटपुट 25 से कम हो, पेशेंट के रिफ्लेक्सेस चले जाएं और रेस्पिरेटरी रेट पहले से ड्रॉप कर जाए. तब हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट डोज नहीं लगाना और उधर रुक जाना है. अगर उसका रेस्पिरेटरी रेट आपको लग रहा है डिप्रेशन हो रही है तो हम 10 ml ऑफ 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट स्लोली ओवर 10 मिनट्स देंगे तो ये सारा कुछ रिवर्स हो जाएगा. बट अगर सिर्फ उसका डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस गए हैं वो आपको नहीं पता चल रहे तो आपको और रेस्पिरेटरी रेट ठीक है तो सिर्फ आपको नेक्स्ट डोज नहीं देनी. नेक्स्ट डोज आप तभी दोगे जब उसके नी रिवर्स जर्क वापस आ जाएगा. हमें मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी चेक करने के लिए रेगुलरली मैग्नीशियम लेवल्स चेक कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर सेंटर ये चेक नहीं कर सकता. और इसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आप अगर पटेलर रिफ्लेक्सेस चेक कर लेंगे और अगर आपको आते हैं, अगर वो प्रेजेंट है आप सेफली मैग्नीशियम सल्फेट की डोज दे सकते हो, अगर वो एब्सेंट है तो आप रुक जाओ. दूसरा, अगर आपके पेशेंट का रीनल फंक्शन टेस्ट डिटियोरेट है तो आपको हाफ डोज भी आप दे सकते हो, बट इस टाइम पे आप एक फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट की ओपिनियन जरूर ले लीजिए. ये एक बहुत सिंपल सा चार्ट है जो आपको बताता है कि अगर हम ना भी करें मैग्नीशियम के लेवल तो आप कैसे पता चल सकता है कि आपको पेशेंट की टॉक्सिसिटी है मैग्नीशियम से. हमें मैग्नीशियम का जो थेरापोटिक रेंज है वो 2 to 4 mmol/L है. सबसे पहले जो चीज जाती है वो जाती है रिफ्लेक्सेस. और आपका पेशेंट कह सकता है कि उसको वीकनेस है, फीलिंग ऑफ वार्मथ है, शी इज ट्राइंग टू टॉक, तो उसकी स्लर्ड स्पीच है, डबल विजन है. इस टाइम अगर ये लेवल 5 पे हो जाता है तो जरा सा लेवल ऊपर गया नहीं और पेशेंट का रिफ्लेक्स चला गया. बट हमें डर लगता है कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट ना हो जाए, पेशेंट को रेस्पिरेटरी अरेस्ट नहीं हो जाए, ये सब चीजें बाद में आती हैं. सबसे पहले टेंडन रिफ्लेक्सेस जाते हैं तो पटेलर रिफ्लेक्सेस सबको चेक करने आना चाहिए. और अगर वो एबसेंट होता है तो आपको मैग्नीशियम सल्फेट का डोज नहीं देना, आपको वो रोक देना है. तब तक रोके रखना है जब तक मैग्नीशियम सल्फेट, जब तक पटेलर रिफ्लेक्सेस वापस नहीं आते. बट अगर आपको रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 12 आ गया है तो आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट देना ही देना है. आप देखेंगे जब मसल पैरालिसिस और रेस्पिरेटरी अरेस्ट इट कम्स एट 6, इट कम्स वेरी लेट. फर्स्ट इज दिस, कार्डियक अरेस्ट हैपेंस
more than 12. So there's no need to get worried. And anybody can treat eclampsia patient. Jo side effects hain iske, wo flushing hai, sweating hai, nausea, vomiting, headaches hai, pain at infusion sites hai aur batakte hai. बच्चे के सीरियस इफेक्ट्स बहुत कम है, बट मैग्नीशियम सल्फेट से बच्चों को हाइपर मैग्नीशियमिया भी हो सकता है और उनको हाइपोटोनिया और एपनिया भी हो सकता है. मैग्नीशियम सल्फेट हम किस किस पेशेंट्स में नहीं दे सकते, जिसको मास्थीनिया ग्रेविस हो, किडनी का इश्यू हो, लिवर का इश्यू हो, या कार्डियक मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो. अब ये जो वीडियो है ये बहुत अच्छी वीडियो है, ये दिखाया गया है कि कैसे आप नी रिफ्लेक्स चेक कर सकते हैं. Reflex, which is the reflex of the knee. In order to test for the patellar reflex, you need to have your partner sit on a bench with their knee slightly draped over the bench so that their leg moves freely. The other thing you need to do is to locate the patellar tendon. To locate the patellar tendon, you need to look directly below the patella, which is the kneecap. It's a large tendon, it's fleshy, you can feel it right below. So you have to feel your partner's leg. Hopefully, they're comfortable with that. Then what you would do is you would take your rubber reflex hammer or your ruler if you have it, locate your patellar tendon with your other fingers, and then after you locate it, put your hammer against it. While you're tapping, you would look at the movement of the leg. It should be forward or back. Make sure you note any motion, whether it's a slight motion forward, slight motion backward, etc. After you've done that, you would test on the side of the knee, the same thing, tapping, noting, standing on the other side, making sure that you note any movement of the leg forward. You do that a total of three times in three different areas, noting the motion. That's the patellar reflex. What we're going to do now is show you how to do the patellar reflex, which is the अच्छा अब ये तो इन्होंने बताया कि एक patient बैठा हुआ है, you know? अब जैसे एक्लैम्प्सिया के पेशेंट है, हमारे पेशेंट तो क्या कहते हैं लेटे हुए होते हैं, लेटे हुए कैसे पैटेलर रिफ्लेक्स चेक करना है कि जैसे ये दो लेग्स हैं, पेशेंट लेटा हुआ है तो आपने उसकी लेग्स को यहाँ पे पपलीटियल फोसा से थोड़ा सा बेंड करो, एक हाथ को लेफ्ट हैंड को उसकी टांग के नीचे जाके सपोर्ट करो और इस लेग को उठाओ और फिर पैटेलर रिफ्लेक्स चेक करो, तब आपको पता चलेगा कि पैटेलर रिफ्लेक्स प्रेजेंट है कि नहीं है. सो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैसे करोगे अब जब टॉक्सिसिटी होती है, सबसे पहले आप मैग्नीशियम सल्फेट को आप बंद कर दीजिए और हर घंटे में पेशेंट को दोबारा चेक करिए कि उसके पैटेलर रिफ्लेक्सेस आए कि नहीं, उसका रेस्पिरेटरी रेट कैसा है और उसका यूरिन आउटपुट कितना है. अगर रेस्पिरेटरी रेट 16 से कम है तो आपको 10 ml ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट, 10% ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट यू हैव टू गिव ओवर 10 minutes. And it's very important to do a continuous heart rate monitoring when you are giving a calcium gluconate. If the urine output is less than 30, always withhold the magnesium sulfate. Always check every 1 hour. Always, listen to the lungs, whether there are any crepes or in it or any sign of pulmonary edema. And the IV fluid should not be given more than 75 ml per hour. But it's very important, aap sab yaad rakhiye ki aapke patient jo hote hain, wo kai baar bahut patle bhi hote hain, 50 aur 60 kilo ke bhi hote hain. To inke andar aapko 1 ml per hour ya 1 to 1.5 ml per hour ke hisab se hi fluid dena chahiye. Kyunki 50 kilo ki aurat ko agar aapne 75 de diya to uske andar to chances of pulmonary edema bahut zyada hota hai. और हमेशा ये रिफ्लेक्स रहा है कि किसी का यूरिन आउटपुट कम हो तो सब कहते हैं फटाफट से इसको 1 liter फ्लूइड दो और साथ में लेसिस लगा दो. ये गलती कभी भी नहीं करनी सीवियर प्री एक्लैम्प्सिया और एक्लैम्प्सिया के पेशेंट्स में. क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड वेसल्स में एंडोथेलियल डैमेज होता है. जब हम ज्यादा फ्लूइड देते हैं तो ये सारा थर्ड स्पेस में चला जाता है. ऐसे पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा होने के चांसेस बहुत होते हैं. तो इसलिए कभी भी फ्लूइड चैलेंज देने की नहीं देना चाहिए और एक अपने इंटेंसिविस्ट की हेल्प या नेफ्रोलॉजिस्ट की हेल्प जरूर कर लेना चाहिए. स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट चार्ट बनाना बहुत जरूरी है और ऐसे पेशेंट को कैथेटराइज करके जरूर रखना चाहिए. और नॉर्मल फोलिस कैथेटर यूरो बैग नहीं लगाना है, इसके अंदर हम यूरोमीटर वाला बैग लगाते हैं जिसके अंदर हमें 1 hour का हर बार पता चले कि कितना है.
और मैग्नीशियम सल्फेट जैसे मैंने आपको पहले बताया, मास्थीनिया ग्रेविस की कोई हिस्ट्री हो, रीनल इम्पेयरमेंट हो, बट अगर ट्रीटमेंट बहुत बुरा नहीं है तो आप बात करके हाफ डोज भी लगा सकते हैं। मायोकार्डियल कॉम्प्रोमाइज और एनी काइंड ऑफ एवी डिफेक्ट्स इनके अंदर नहीं देना चाहिए। पेशेंट हु आर सेंसिटिव टू मैग्नीशियम सल्फेट और हु आर ऑलरेडी इनटू हेपेटिक कोमा और इफ देयर इज रिस्क ऑफ रीनल फेलियर, वी शुड नॉट गिव मैग्नीशियम सल्फेट। अब ये चार्ट है जो बताता है कि आपको पेशेंट की डिलीवरी कैसे करना चाहिए। वेन टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, इफ शी इज ऑलरेडी इन द लेबर देन लेट हर गो इन टू लेबर एंड देन यू डिलीवर हर, बट यूर एम इज टू प्रिवेंट हर फ्रॉम क्या कहते हैं थ्रू अ कन्वल्जन। अगर पेशेंट को जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है तो लेस देन 23 वीक्स नहीं, आप इसको सिर्फ ओरल ड्रग्स पे स्टार्ट करिए और देर इज नो नीड टू डिलीवर, यू कैन ईजली टेक दम इफ देर इज नो प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल, देर इज नो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ऑर्गन डिसफंक्शन, यू कैन डिलीवर दम आफ्टर 37। इट्स पेशेंट ऑफ प्री एक्लैम्सिया, आफ्टर 37 वीक्स यू शुड डिलीवर। पेशेंट ऑफ सिवियर प्री एक्लैम्सिया, सिवियर प्री एक्लैम्सिया विद सिवियर फीचर्स, इफ देर लेस देन 23 वीक्स यू शुड डिलीवर दम, इफ देर मोर देन 27 वीक्स यू शुड डिलीवर दम। वाई? बिकॉज आफ्टर 37 वीक्स वी आर नॉट गोइंग टू गेन एनी बेनिफिट, एंड इफ दे गेट अ सिवियर प्री एक्लैम्सिया 23 वीक्स से पहले, ये प्रेगनेंसी कभी भी दो हफ्ते से ज्यादा नहीं चल सकती। इसमें मटर्नल जो है उसको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो बच्चा तो इस टाइम पे बच नहीं सकता, इट्स बेटर आप उनको डिलीवर करा दीजिए। एक्लैम्सिया पेशेंट्स किसी भी पीरियड ऑफ जेस्टेशन में हो, दे शुड बी डिलीवर्ड विद इन 12 आवर्स। अब रही बात सिवियर प्री एक्लैम्सिया के पेशेंट्स की, अगर पेशेंट 24 टू 34 वीक्स के बीच में है और पेशेंट स्टेबल है, आपने उसको एंटी हाइपरटेंसिव भी दे दिया, आपने उसको मैग्नीशियम सल्फेट भी प्रोफाइलेक्सिस के लिए दे दिया, तो आप 48 घंटे निकाल सकते हैं उसको स्टीरॉइड्स देने के लिए, बट अंडर अ एचडीयू मींस हाई डिपेंडेंसी यूनिट विद अ केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ हर ब्लड प्रेशर, डू हर लैब पैरामीटर्स एवरी 12 आवर्स। अगर कोई डिटेरियोरेशन हो तो आप उसको पहले डिलीवर करा लीजिए, बट अगर नहीं तो आपको आप 48 आवर्स के बाद उसको डिलीवर करा सकते हैं। बट अगर पेशेंट स्टेबल नहीं है तो यू बेटर डिलीवर हर एंड देयर इज नो नीड टू वेट एंड गिव स्टेरॉइड्स। पोस्टपार्टम पीरियड में जैसे अगर आपने लेबेट्रोलॉल दिया या अल्फा मिथाइल डोपा तो नहीं मिल रहा, वैसे भी वो नहीं देना चाहिए पोस्टपार्टम पीरियड में, बिकॉज पेशेंट को पोस्टपार्टम डिप्रेशन के चांसेस हो सकते हैं। और पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर हम एम्लोडिपिन, डिपिन, लेबेट्रोलॉल या कोई और भी मेडिसिन जो हमारे फिजिशियन रिकमेंड करें वो भी दे सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट को कंटिन्यू करना है 24 आवर्स आफ्टर द डिलीवरी और 24 आवर्स आफ्टर द लास्ट फिट, बिकॉज 1/3 ऑफ इट्स कैन हैपन इवन इन द पोस्टपार्टम पीरियड। और ये पेशेंट की 48 टू 72 आवर्स मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पेशेंट कभी भी डिटोरेट कर सकते हैं, पल्मोनरी एडिमा में जा सकते हैं, बिकॉज मैक्सिमम 70% ऑफ द चांसेस पल्मोनरी एडिमा कैन हैपन आफ्टर द डिलीवरी एंड इफ इट्स मिस्ड इट कैरीज अ हाई मोर्टालिटी। ये एक्लैम्सिया किट है जो हर हॉस्पिटल हर नर्सिंग होम में होना चाहिए। इसके अंदर एक माउथ कैक, सक्शन कैथेटर, आईवी कैनुला वो भी हरे रंग का, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लाइक टैबलेट डिफेटोपिन और लेबेट्रोलॉल होना चाहिए, मैग्नीशियम सल्फेट के कम से कम 20 एमप्यूल होना चाहिए, एक्सपायरी डेट चेक करके लिखी होनी चाहिए। ये बहुत छोटे छोटे एमप्यूल होते हैं और इसके अंदर पढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड कीप अ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑल्सो और 2% xylocaine, alcohol swabs, antiseptic solution bottles, सारी ये जो lab test करने के लिए, urine test करने के लिए vials होना चाहिए, Foley's catheter number, urometer होना चाहिए, syringe होनी चाहिए 10 ml की, 20 ml की, और आपके पास में distilled water और normal saline dissolve करने के लिए भी होना चाहिए, dry cotton swabs, sterile gloves, knee hammer, इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट हमेशा होना चाहिए तुम्हारे क्रैश कार्ड के अंदर, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, और एक ब्लड प्रेशर अपरेटस होना चाहिए। ये डिपस्टिक्स हैं टू चेक द प्रोटीन यूरिया, ये सिंपल सी स्टिक्स होती है, आप इसको यूरिन में डिप करिए और इसको इसके साथ मैच करके देखिए कि आपके अंदर यूरिन इसके ऊपर लिखा हुआ है 1+2+ कितना होता है। तो ये रिव्यू है, सबको पता होना चाहिए पीआईएच प्री एक्लैम्सिया, एक्लैम्सिया कैसे किसको बोलते हैं और कैसे मैनेज करते हैं,
एक्लैम्सिया किट क्या है, पेशेंट के डेंजर साइंस क्या है और नर्सिंग केयर क्या होनी चाहिए जो मैंने आपको अभी बताई। और जो दूसरी बात है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आपको इंजेक्शन लैपेटोलॉल देना चाहिए 20 मिलीग्राम स्लोली ओवर 2 मिनट्स आप दे सकते हैं, बट अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है या हार्ट डिजीज है उसमें ये नहीं देना चाहिए। और अगर आपका पेशेंट नहीं इससे कंट्रोल करता तो आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं, बट बेस्ट होता है कि आप इसको इन्फ्यूजन से स्टार्ट करिए। वो आप 1 to 2 मिलीग्राम पर मिनट पे आप कंटिन्यूस इन्फ्यूजन पंप में भी दे सकते हैं। अगर आपके पास निफेडिपिन रिटार्ड है तो आप 30 मिलीग्राम की एक टैबलेट खराल उसको दीजिए, अगर जरूरत पड़ती है तो आप 30 मिनट्स में रिपीट करिए। बट अगर आपके पास रिटार्ड नहीं है, सिर्फ आपके पास कैप्सूल निफेडिपिन है, तो आप उसको 10 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम ओरल देना है, सब लिंगुअल कभी नहीं देना है। अगर आप सब लिंगुअल दोगे पेशेंट का सडनली ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा, इट विल बी हार्मफुल फॉर बोथ मदर एंड द बेबी। थैंक यू। If there is any question, please ask. Thank you, ma'am, for such a beautiful session. Itna difficult topic aapne itna easily, matlab in plain language samjhaya. Thank you so much. Thank you, ma'am. Anybody has any questions? Please feel free to ask, ma'am. Thank you, ma'am. Very nice explanation. Really, ma'am. Thank you so much. Thank you. Any questions, anybody? But ek blood pressure theek tarah se monitor karna chahiye. Ma'am, aapne bahut acha samjhaya hai, koi question nahi. Kya cheez? बहुत अच्छा समझाया मैम, देखो एवरीथिंग इज क्लियर देयर एंड दे डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। नहीं, सिर्फ ब्लड प्रेशर जरूर चेक करना आना चाहिए, उसमें पेशेंट को यूरिन पास करा के टेबल पे बिठाओ, चेयर पे बिठाओ, टेबल पे हार्ट के लेवल पे रखो। इस टाइम पेशेंट को बातें नहीं करनी चाहिए और लेग क्रॉस करके बैठना। अब उसके राइट आर्म में आप प्रॉपर कफ बांधकर उसके साइज का अब ब्लड प्रेशर आप लीजिए। सिंपल सी बात है, यूरिन पास करके नहीं करनी, तब आप चेक करना। ये छोटी सी एक सिंपल सी बात है, याद रखिए। If there is not no more question, then Priyanka, you can take it forward. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Priyanka, please take over. अगर आपको किसी को कोई भी क्वेश्चन हो आप बाद में भी पूछ सकते हैं, आप ग्रुप में भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, सो वी कैन आंसर यू इन नेक्स्ट सेशन आल्सो। अच्छा, सो प्रियंका, शुड आई सेंड द फीडबैक लिंक? आप सब प्लीज शेयर कर दीजिए। हाँ, मैं चैट पे मैंने सेंड किया है, आप सब प्लीज सेशन लीव करने से पहले फीडबैक लिंक जरूर फिल इन कर दीजिए। आप सबके चैट पे आ गया होगा, आप उसे क्लिक कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं फॉर्म। पूर्णिमा हॉस्पिटल ने ज्वाइन किया है क्या आपका पेशेंट? पूर्णिमा हॉस्पिटल? जी हाँ ज्वाइन किया। एंड केबीसी भारतीय हॉस्पिटल एमकेसी? एमकेडब्ल्यू मैम। नॉट एमकेडब्ल्यू, मानवीय हॉस्पिटल। ओके, श्रेया हॉस्पिटल ने ज्वाइन किया है क्या गाजियाबाद से? श्रेया हॉस्पिटल एंड आरोग्यम हॉस्पिटल? ओके, देन आप लोग प्लीज फीडबैक दे, आप लोग अपने अपनी फीडबैक दे दीजिए और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। 7th सेशन हमारा लास्ट वीक आप लोगों का पूरा मान्यता का जर्नी जो है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद आप लोगों का एक्सटर्नल असेसमेंट के लिए और एक्सटर्नल असेसमेंट के लिए आप लोगों को उसे भी थोड़ा सा प्रिपरेशन करना होगा। जो भी चीजें आपको बताई जा रही है, क्या क्या चीजें आपको लाइक I think Priyanka, Dr. Riddhi कुछ कहना चाहते हैं शायद।
डॉक्टर रिति आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। So sorry ma'am, thank you for the very good lectures. I didn't have a question, I was just trying to open something else. So yeah, I'm so sorry. Achha, achha, no problem, no problem. तो प्रियंका आर वी डन, तो अभी हम खत्म कर सकते हैं सेशन। ठीक है, आपकी भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, हम लोग डॉक्टर से पूछ के आपको रिवर्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच, जो मिले तो नए वाले ना। थैंक यू, मैं सेशन एंड कर रही हूँ। ओके थैंक यू।